हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय स्टडी शीट चैनल दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कोशिका के प्रकार में प्रोक्रिएटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में दोस्तों इसके पहले के वीडियो यानी पार्ट वन में मैंने कोशिका की शुरुआत कैसे हुई कोशिका का अध्ययन कहाँ से स्टार्ट हुआ इसके जनक कौन है और कोशिका किस चीज़ से बनी होती है कोशिका हमारे शरीर के निर्माण में क्या भूमिका अदा करती है इन सब के बारे में फुल डिटेल में बात कर चुकी हूँ तो दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोशिका के पार्ट वन वीडियो ज़रूर देख लीजिए इसके बाद इस वीडियो को देखिए देखिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चन आंसर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा तो बस आप वीडियो को देखते चलिए तो आपको खुद ब खुद सब समझ में आ जाएगा तो चलिए बात करते हैं आज का टॉपिक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में दोस्तों एंड कोशिका क्या है इसको समझने के लिए बस ये जरूरी है कि इसमें बात मुख्य रूप से केंद्रक की हो रही है यानी केंद्रक की उपस्थिति के बारे में जानना आवश्यक है यानी जिस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं और जिस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं तो इसको ध्यान से समझिए यहाँ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक यहाँ प्रोकैरियोटिक का मतलब यहाँ पे केंद्रक होता है ठीक है कैरियोटिक का मतलब समझ लीजिए केंद्रक यानी न्यूक्लियस जिसे नाभिक कहते हैं अब प्रो का तात्पर्य है अबसेट यानी अनुपस्थित यानि अनुपस्थित यहाँ किसके की की बात हो रही है नाभिक की यानी तो होता है वो होता है यानि अनुपस्थित होता है तो जहां जिस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं एंड देखते हैं यूकैरियोटिक यू का यहाँ तात्पर्य है प्रेजेंट किस चीज की प्रेजेंट की केंद्रक की ठीक है तो जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक किसे कहते हैं तो जिसमें केंद्रक पाया जाता है उपस्थित होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है केंद्रक अनुपस्थित होता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं ठीक है चलिए अब जानते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है दोनों में क्या डिफरेंट है तो सबसे पहले हम जानेंगे केंद्रक केंद्रक तो आप समझ गए होंगे कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है एंड दूसरा है गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन जैसा कि यदि आप कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो हमारे केंद्र में गुणसूत्र पाया जाता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है ठीक है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से हमारा गुणसूत्र बना होता है तो जाहिर सी बात है कि जिसमें कोशिका में जिस कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा उसी में के गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाएगा तो यहाँ पे गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक में पाया जाता है एंड तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है ठीक है जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसी में यह पाया जाएगा कोशिकांग यानी कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जैसे कि ये सब तो सभी कोशिकांग जो है यूकैरियोटिक में पाया जाता है एंड प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट है सभी सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया हो गया निरहरी शैवाल हो गया इन सब में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है यानी सूक्ष्म में सभी सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया हो गया निरहरित शैवाल हो गया इन सब में के कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया और निरहरित शैवाल यानी सभी सूक्ष्म जीव जितने भी सूक्ष्म जीव हैं जीव हैं कीड़े से लेकर बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है एंड यूकैरियोटिक कोशिका जैसे हम मानव हैं हम सब में केंद्रक पाया जाता है तो हम सब यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं जैसे कि सभी जीव जंतु सभी जंतु एवं पादप कोशिका जितने भी जीव हैं एंड जो जंतु हैं और कोशिकाएं हैं उन सब में यूकैरियोटिक पाया जाता है ठीक है तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि सभी सूक्ष्म जीव एंड बैक्टीरिया एंड नीले हरित शैवाल इन सब में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है यानी केंद्रक इसमें बीच में नहीं पाया जाता है तो इसमें यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक पाया जाता है ठीक है और सभी जंतु और पादप कोशिका में यूकैरियोटिक पाया जाता है एंड नेक्स्ट टॉपिक है श्वसन जो हमारा श्वसन होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं उन सब में श्वसन क्रिया जीव द्रव्य कला में होता है किसमें होता है जीव द्रव्य कला में एंड यूकैरियोटिक कोशिका वालों में माइट्रोकार में श्वसन होता है जैसे हम मानो हैं, ठीक है ठीके? हमारा कोशिकी श्वसन यानी आंतरिक शोषण कहाँ पे संपन्न होता है तो माइट्रोकांडिया में संपन्न होता है नेक्स्ट है राइबोसोम तो राइबोसोम जो है प्रोकरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है बट कितना कितना पाया जाता है वेरी इंपॉर्टेंट है राइबोसोम जो है प्रोकरियोटिक में सत्तर एस प्रकार का एंड यूकैरियोटिक में अस्सी एस प्रकार का दोस्तों यहाँ पे सत्तर यस और अस्सी यस यानी यस का तात्पर्य पे सेंटिमेंटेशन कॉफिशियंट यानी एक कोशिका के आकार को बताता है तो जैसे कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में सत्तर यस प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में अस्सी यस प्रकार का तो इससे पता चलता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटा होता है एंड यूकैरियोटिक कोशिका बड़ा होता है तो क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो है कितने आकार का होता है तो सत्तर और यूकैरियोटिक में राइबोसोम कितने आकार का होता है तो अस्सी प्रकार का ठीक है एंड रिक्तिकाएं रिक्तिकाएं जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता एंड यूकैरियोटिक में रिक्तिकाएं पाया जाता है जैसे कि रिक्तिकाएं जो है हमारे जीव जंतु एवं पादप कोशिकाओं में पाया जाता है तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में रिक्तिका नहीं पाया जाता है आयु में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं नेक्स्ट है समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन जैसा कि कोशिकाएं में रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है अपने समान प्रजाति को आगे बढ़ाने की क्षमता होती है सेम नई कोशिका उत्पन्न करने की इसमें क्षमता होती है तो समसूत्री विभाजन तथा तो अध विभाजन के द्वारा ही यह सब संभव होता है तो समसूत्री विभाजन एंड विभाजन जो है प्रोक्रियोटिक में नहीं पाया जाता एंड में पाया जाता है ठीक है तो यहाँ पे जितने भी हैं ध्यान दिए होंगे आप सब कि केंद्रक हो गया गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन हो गया कोशिकांग हो गया रिक्तिकाय हो गया समसूत्री तथा अधसूत्री विभाजन हो गया ये पांचों जो है प्रोक्रियोटिक में नहीं पाया जाता है एंड यूकैरियोटिक में पाया जाता है ट्रिक से याद करने पर ही आसानी से याद हो जाएगा ठीक है और ऐसे आप पढ़ते रह जाएंगे कुछ भी याद नहीं होगा एंड ये तो जान लिया केंद्र गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन कोशिकांग तथा समा विभाजन ये पांचों के पांचों प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है यूकैरियोटिक में पाया जाता है और राइबोसोम आपने जान लिया कि प्रोकैरियोटिक में प्रोक्रियोटिक प्रकार का होता है किन जीवों में है। है, मतलब मतलब कि कि पाया जाता है तो सभी सूक्ष्म जीवों में जहां भी सूक्ष्म जीवों का नाम आएगा बैक्टीरिया का नाम आएगा नील हरित शहवाल का नाम आएगा तो इन सब में प्रोकियोटिक कोशिका पाया जाता है एंड जैसे सभी जंतु एवं पादप कोशिका जैसे हम मानव हो गए और सभी जंतु वो में हम मानव भी आते हैं एंड पादप कोशिका जो पौधों की कोशिका होती है इन सब में यूकैरियोटिक पाया जाता है तो आपने अब तक समझ ही गया होगा यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है क्वेश्चन ये बन सकता है कि सभी सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया ने हरिषित सवाल में कौन कोशिका पाया जाता है प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक पाया जाता है तो प्रोकैरियोटिक ठीक है और क्वेश्चन बन सकता है कि सभी जंतु एवं पादप कोशिका में कौन सा कोशिका पाया जाता है तो आरबीसी होता है जो हमारे आरबीसी होता है मानव शरीर में जो आरबीसी होता है उसमें यूकैरियोटिक सेल का ही अपवाद है क्योंकि आरबीसी में यूकैरियोटिक सेल नहीं पाया जाता है क्यों नहीं पाया जाता है आप आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते समय ध्यान दिए होंगे तो उसमें ये लिखा जाता है होता है कि आरबीसी में नाभिक नहीं होता है या नाभिक यानी केंद्रक तो जिसमें केंद्रक नहीं होगा उसमें यूकैरियोटिक नहीं पाया जाएगा तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है इसीलिए आरबीसी मानव के शरीर में आरबीसी में यूकैरियोटिक नहीं पाया जाता है नेक्स्ट है आपके एग्जाम पॉइंट के लिए महत्वपूर्ण तो जैसे कि कोशिका झिल्ली जो है जंतु एवं पादप कोशिकाओं में पाया जाता है जैसे कि हमारे यानी मानव या जीव जंतु जो जंतु हैं उन सबके कोशिका में कोशिका झिल्ली यानी जो हमारा कोशिका होता है वो चारों तरफ से एक झिल्ली से ढका होता है जो पारगम्य होता है तो जिसे इंग्लिश में सेल में बोला जाता है कोशिका झिल्ली को ठीक है तो ये जंतु पादप में पाया जाता है कोशिका झिल्ली सेल एंड कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल बोला जाता है ये पादप में पाया जाता है ये ध्यान रखने योग्य बात है तो कुछ कोशिकांगों के बारे में हम जान लेते हैं जैसे कि कोशिकांग हमारे जो कोशिका के अंदर विभिन्न अंग पाए जाते हैं जैसे कि माइट्रोकांडिया गोलजिका राइबोसोम लाइसोसोम सेंट्रोसोम ये सब जो है इन सब में झिल्ली पाई जाती है तो एक कोशिकांग दोहरी कोई झिल्ली की होती है तो कोई एकहरी झिल्ली की होती है तो कोई झिल्ली विहीन होती है तो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन है माइट्रोकांडिया एंड लवक तो माइट्रोकांडिया यहाँ पे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि माइट्रोकांडिया किस प्रकार की कोशिकांग है दोहरी झिल्ली वाली की एकहरी झिल्ली वाली तो ये माइट्रोकांडिया जो है दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग है एक झिल्ली वाली में गोलजिकाय और अंत जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं एनरिक्तिका और लाइसोसोम ये जो है एक झिल्ली वाली कोशिकांग है झिल्ली विहीन जिसमें झिल्ली नहीं पाया जाता है जो हमारा राइबोसोम होता है एंड सेंट्रोसोम होता है वो झिल्ली विहीन होता है तो राइबोसोम और सिंट्रोसम जो है झिल्ली विहीन होता है जिसमें झिल्ली नहीं पाया जाता है तो दोस्तों इन सभी कोशिकांगों के बारे में ने नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट थ्री में फूल डिटेल से सबके बारे में बताऊंगी जिसे आप देखना ना भूलिएगा दोस्तों वो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जिसमें कम से कम पैतालीस या तीस से ऊपर तीस मिनट से ऊपर ही वो वीडियो हो सकता है क्योंकि सभी कोशिकाओं के कोशिकांगों के बारे में थर्ड पार्ट में बताया जाएगा जैसे कि प्रोटोप्लाज्म जय द्रव्य कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म एंड कोशिका झीलिया माइट्रोकॉन्डिया गालजिकाए रिक्तिका लाइसोसोम सेंट्रोसोम राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस गुणसूत्र कोशिकांग को है आपके कुछ सवाल हैं, इससे रिलेटेड या फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आप तक तो पहुँचता रहे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद